हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डेली एमपीपीएससी एमसीक्यू पार्ट नंबर 26 प्रेजेंटेड बाय मी आदित्य दुबे। इन दिस लेसन वी विल लुक फॉरवर्ड टू सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन अवार्ड्स ऑफ मध्य प्रदेश। दिस इज द पार्ट नंबर सी। इफ यू हैवंट वॉच द प्रीवियस टू पार्ट देन आई वुड अर्ज यू टू प्लीज वॉच इट फर्स्ट देन कंटिन्यू विद दिस सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिंदी पोएट्री में क्रिएटिव कंपोजिशन के लिए एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है मैथिली शरण गुप्त अवार्ड। अब इसकी शुरुआत कब से हुई? टू ऑनर एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव कंपोजिशन इन हिंदी पोएट्री मैथिली शरण गुप्त अवार्ड इनिशिएटेड ऑन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन सी, दैट इज 1987 से। 1987 को मैथिली शरण गुप्त अवार्ड की शुरुआत की गई। अब इससे रिगार्डिंग हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जो मैथिली शरण गुप्त अवार्ड 2017 का, इनमें से किसे नहीं दिया गया? यहां ध्यान दीजिएगा, डिडेंट लिखा हुआ है। हु डिडेंट वर्न मैथिली शरण गुप्त अवार्ड फॉर द ईयर 2017? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह जी को 2017 का मैथिली शरण गुप्त अवार्ड नहीं मिला, बल्कि ये पहले रेसिपिएंट हैं मैथिली शरण गुप्त अवार्ड के। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहली बार मैथिली शरण गुप्त अवार्ड किसको दिया गया, तो वो थे शमशेर बहादुर सिंह जी को। अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट्स की कि 2017 का मैथिली शरण गुप्त अवार्ड किसे दिया गया। तो ये तीन ऑप्शन आप जो देख रहे हैं, मालती जोशी, विश्वनाथ तिवारी और कमल किशोर गोयनका, इन तीनों को मैथिली शरण गुप्त अवार्ड 2017 के लिए दिया गया। याद रखिएगा, वर्ष 2017 का मैथिली शरण गुप्त अवार्ड तीन लोगों को दिया गया, जो है मालती जोशी, विश्वनाथ तिवारी और कमल किशोर गोयनका। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लिटरेचर के अलावा ऐसे डायरी राइटिंग और मेमोयर राइटिंग के लिए एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है शरद जोशी अवार्ड। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1992। अब इसके बारे में आपको 1992 से 1993 मिलेगा बुक में, तो ये भी सही ऑप्शन है। ओके, तो शरद जोशी अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1992 से 1993 के बीच में। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि 2017 का शरद जोशी अवार्ड किसे दिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता दूं, 2017 का जो शरद जोशी अवार्ड मिला है वो इन चारों को मिला है, जो कि हैं गोपाल चतुर्वेदी, सूर्यबाला लाल, प्रेम जन्मेजय और नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। याद रखिएगा, वर्ष 2017 का शरद जोशी अवार्ड चार लोगों को मिला है, जो कि हैं गोपाल चतुर्वेदी, सूर्यबाला लाल और प्रेम जन्मेजय और लास्ट है नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहला रेसिपिएंट कौन है शरद जोशी अवार्ड का, तो आप याद रखिएगा ये हैं एचपी, दैट इज हरिशंकर परसाई जी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1992 से 1993 के बीच में। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फिल्म डायरेक्शन, एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और लिरिक्स राइटिंग के लिए एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है किशोर कुमार अवार्ड। इसकी शुरुआत कब हुई? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशोर कुमार अवार्ड की जो शुरुआत हुई है वो हुई थी 1998, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ओके, 1998 से किशोर कुमार अवार्ड की स्थापना हुई। अब आपको कुछ बुक में 1997 भी मिलेगा। ओके, मैं जानता हूं आप कुछ लोग कमेंट करेंगे कि 1997 से शुरू हुई है, लेकिन मैंने बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्स देखे और उसमें यह पता चला कि 1998 से किशोर कुमार अवार्ड की शुरुआत हुई है। ओके, अब किशोर कुमार जी के बारे में आप जानते होंगे, ये एक वेटरन फिल्म एक्टर हुआ करते थे। साथ ही साथ एक्टिंग, फिल्म डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग और सिंगिंग, बहुत से चीजों में ये इन्वॉल्व रहे। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका एमपी में किस जिले से संबंध है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बिलोंग करते हैं खंडवा डिस्ट्रिक्ट को। ओके, और हर साल ये जो किशोर कुमार अवार्ड रहता है ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट को ही दिया जाता है, मीन्स खंडवा डिस्ट्रिक्ट में ही इस अवार्ड को कॉन्फर किया जाता है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की कि किशोर कुमार अवार्ड वर्ष 2016 का किसे दिया गया। तो ये दिया गया है मिस्टर योगेश जी को। ओके, योगेश जी एक वेटरन लिरिसिस्ट हैं, आप जानते हैं इनके बारे में, बहुत सुना होगा इनके बारे में। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2015 का किसे मिला किशोर कुमार अवार्ड, तो ये है रूमी जाफरी जी। रूमी जाफरी जी को वर्ष 2015 का किशोर कुमार अवार्ड दिया गया। तो आप ये सोर्स देख सकते हैं, ये मैंने dailypioneer.com से लिया है। आप इसके बारे में ज्यादा इस वेबसाइट में जाके पढ़ सकते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि वेटरन स्क्रिप्ट राइटर रूमी जाफरी एंड रिनोड लिरिसिस्ट योगेश विल गेट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट प्रेस्टिजियस नेशनल किशोर कुमार अवार्ड फॉर क्रिएटिव राइटिंग फॉर द ईयर 2015 एंड 2016 रिस्पेक्टिवली। मींस 2015 के लिए जो मिला है वो मिला है रूमी जाफरी जी को, और 2016 के लिए मिला है वेटरन लिरिसिस्ट मिस्टर योगेश जी को। अब इस अवार्ड की प्राइज मनी भी देख लीजिए, इसमें 2 लाख रुपए मिलता है, एक शॉल मिलता है और एक सिटेशन मिलता है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये अवार्ड कहाँ पे दिया जाता है? ये दिया जाता है खंडवा में, जो कि एक जन्म स्थल है उनका, किशोर कुमार जी का। अगला क्वेश्चन है कि
महिलाओं को, महिला जो आर्टिस्ट होती हैं, फीमेल आर्टिस्ट को ट्राइबल फोक और ट्रेडिशनल आर्ट के लिए एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है देवी अहिल्याबाई अवार्ड। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1997 से, 1997 से देवी अहिल्याबाई अवार्ड की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि देवी अहिल्याबाई अवार्ड वर्ष 2017 का किन्हें मिला? तो ये मिला है ऑप्शन ए, दैट इज मीरा गुप्ता जी को। मीरा गुप्ता जी वन दी देवी अहिल्याबाई अवार्ड फॉर द ईयर 2017। अब अगर आपसे पूछा जाए कि देवी अहिल्याबाई अवार्ड सबसे पहली बार किसे मिला था, तो ये मिला था तीजन बाई जी को। अब तीजन बाई की बात आई है तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके साथ एसोसिएट होता है कि ये कौन से फॉर्म की सिंगर हैं। तो ये हैं पंडवानी सिंगर। ओके, ये भी पूछा जा सकता है कि पंडवानी सिंगर कौन है इनमें से, तो ये हैं तीजन बाई। और देवी अहिल्याबाई अवार्ड 2017 का किसे मिला? ये मिला मीरा गुप्ता जी को, और तीजन बाई सबसे पहली रेसिपिएंट हैं देवी अहिल्याबाई अवार्ड की। तो ये था मेरा वीडियो, आई होप यू लाइक इट। सबसे पहले तो अपॉलोजी, मैं आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि आई वॉज अ बिट बिजी इन अदर टास्क, बट अब से मैं डेली कोशिश करूंगा अपलोड करने की, और साथ ही साथ मैं कंपनसेशन के लिए काफ़ी सारे अदर लेसन भी अपलोड करूंगा जल्दी। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल या कोई भी फेसबुक मेरे अकाउंट से जुड़ सकते हैं। इस किसी भी अकाउंट में अगर आप अवेलेबल हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स रिगार्डिंग माई चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आपने बहुत ही अच्छा मुझे ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन सपोर्ट किया जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, और आई होप यू आर डूइंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, गुड लक।